हर दिन पूरी दुनिया में कुछ न कुछ होता रहता है, जैसे कि हर घंटे दुनिया में कहीं ना कहीं अर्थक्वेक यानी कि धरतीकंप आता है, हर एक मिनट को कोई एक देश किसी दूसरे देश पर साइबर अटैक करता है, और हर दिन में एक छोटा सा एस्टेरॉयड हमारे अर्थ के करीब से गुजर के चला जाता है, और हम इन सभी चीजों से बिल्कुल अनजान रहते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता इन सभी चीजों के बारे में अरे कहना क्या चाहते हो, बट इस वीडियो को देखने के बाद आप इन सभी चीजों को और इसके अलावा और भी कई सारी चीजें उन सभी को आप रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। रियल टाइम में ट्रैक करने का मतलब ये होता है कि एक्चुअली में उस टाइम पे आप उसे देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ इससे आप रियल टाइम में वॉल्केनो, फ्लाइट, साइबर अटैक, एस्टेरॉयड, टोर्नेडो, एयरफ्लो, कार्गो शिप, अर्थक्वेक, इन सभी चीजों को रियल टाइम में देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आपके नॉलेज को तो बढ़ाएगा और इन सभी चीजों को आप अपनी पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हैं। और एक चीज कर सकते हैं और वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। यहां पर आपको लाल वाला बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए यहां पर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम इरफान और आप देख रहे हैं आईटेक। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे वॉल्केनो और अर्थक्वेक के बारे में, क्योंकि इन दोनों चीजों को आप सिर्फ एक ही ऐप की मदद से देख सकते हैं यानी कि रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना होगा। देखिए सारी ऐप की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप उन सभी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बट पहले देख लो कि कौन सी ऐप आपको इंस्टॉल करनी है। तो जैसे आप ये वॉल्केनो वाली ऐप इंस्टॉल करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको काफी कूल 3D एनिमेशन देखने को मिलेगा, मतलब एक 3D मॉडल देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में धरती कंप कहाँ कहाँ आते हैं और उसका इंपैक्ट एरिया है वो कितना होता है, और भी कई सारी डिटेल्स आप उस पर क्लिक करके जो है वो देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी की, तो ये ऐप आपको ये बताएगी कि पूरी दुनिया भर में कितने एक्टिव ज्वालामुखी है और कितने डेट हो चुके हैं। साथ साथ में ये ऐप आपको अलर्ट भी देगी, अगर कहीं पर अर्थक्वेक आता है तो आपको ये अलर्ट देगी, और अगर आपके स्टेट में यानी कि आप जहां पर रहते हैं उसके आसपास में अगर कहीं धरतीकंप होता है तो ये उसका भी अलर्ट आपको देगी। तो एक तरह से ये आपको अर्थक्वेक को लेकर अलर्ट रखेगी। अब अगर मैं बात करूं यहां पर साइबर अटैक की, तो हर एक सेकंड किसी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री पर साइबर अटैक चलता रहता है। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि वो कौन सी कंट्री के हैकर हैं जो किसी दूसरी कंट्री पर हैकिंग यानी मतलब साइबर अटैक करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हैक करते ही रहते हैं। तो यहां पर आपके सामने पूरी दुनिया का मैप होगा और यहां पर आप लाइव देख पाएंगे कि भाई कितना ज्यादा यहां पर साइबर अटैक हो रहा है, कोई ना कोई किसी न किसी कंट्री के ऊपर साइबर अटैक जो है वो करता ही रहता है। तो इस ऐप की मदद से आप ये सारी चीजें लाइव देख सकते हैं, यहां तक कि आप ये भी देख सकते हैं कि भाई किस तरह का साइबर अटैक होता है, क्योंकि अलग अलग तरह की हैकिंग सिस्टम होती है, अलग अलग तरह के हैकिंग टाइप होते हैं। तो यहां पर उन सभी टाइप और उन सभी हैकिंग सिस्टम को देख सकते हैं कि लोग किस तरह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर हैकिंग यानी कि साइबर अटैक कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं रियल टाइम फ्लाइट ट्रैकिंग की, तो इसके लिए आपको फ्लाइट रडार ऐप को इंस्टॉल करना होगा। इस ऐप की मदद से आप रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं पूरी दुनिया भर की उड़ रही फ्लाइट को। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका कोई रिश्तेदार प्लेन में ट्रैवल कर रहा है तो आप उनके प्लेन को रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उनका प्लेन कहां से कहां जा रहा है। साथ साथ में आप उस प्लेन की पूरी डिटेल्स जान सकते हैं, जैसे कि उसका क्या नेम है, क्या नंबर है, कहां से उड़ा था, कहां जाएगा, वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स आपके सामने होगी। और इस ऐप से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया भर में कितनी फ्लाइट कहां से कहां ट्रैवल कर रही है, पूरा का पूरा आपके सामने एड ट्रैफिक होगा और ये काफी मजेदार है। तो इस ऐप को भी एक बार जरूर से ट्राई करना। अब अगर हम बात करें यहाँ पर एस्टेरॉयड की, तो स्पेस में हजारों लाखों करोड़ों नहीं इससे भी कई गुना ज्यादा जो है ना वो एस्टेरॉयड घूमते रहते हैं, और कई सारे छोटे मोटे एस्टेरॉयड हमारी अर्थ के बिल्कुल करीब से निकल जाते हैं। तो अगर आप उन सभी एस्टेरॉयड को ट्रैक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वो कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको इस ऐप की हेल्प लेनी होगी। इस ऐप की मदद से आप लाइव ट्रैक कर सकते हैं। ये सारा का सारा डेटा नासा स्पेस से आता है और नासा से आप सीधी ये सारी चीजें जो है वो देख सकते हैं, और हर एस्टेरॉयड का एक नाम भी दिया हुआ है, तो आप उनका नाम या नंबर जो भी कहें उन्हें मतलब एक तरह से ऐड कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि एस्टेरॉयड कहां से कहां जा रहा है। साथ साथ में ये ऐप आपको अलर्ट भी देगी अगर कोई एस्टेरॉयड अर्थ के बिल्कुल करीब से जाता है तो, क्योंकि अर्थ पे तो गिरेगा नहीं, आई होप गिरना नहीं चाहिए, बट अगर कोई करीब से जाता है तो ये आपको उसका अलर्ट भी देगी। बट मैं आपको बता दूं कि ये सारा डेटा नासा स्पेस से ही आता है।
अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर टॉर्नेडो की यानी कि चक्रवात, बोले तो यार आसान शब्दों में तूफान की, तो आपने देखा होगा कि कई बार तमिलनाडु, केरला, गुजरात, मुंबई, इस जगह पर तूफान जो है ना वो आते रहते हैं। तो जब भी यहाँ पर तूफान आते हैं तो इसका अलर्ट तो हालांकि हमें गवर्नमेंट पहले से ही दे देती है, बट अगर आप उन्हें ट्रैक करना चाहते हैं ना तो आप इस ऐप की हेल्प ले सकते हैं। इस ऐप की मदद से आप दुनिया भर में आ रहे चक्रवात को देख सकते हैं, यानी कि तूफान को देख सकते हैं, टॉर्नेडो जितने भी बड़े बड़े होते हैं उन सभी चीजों को देख सकते हैं, साथ साथ में उनके पाथ को देख सकते हैं कि अभी फिलहाल टॉर्नेडो या तूफान यहाँ पर है, अब यहाँ से वहां जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, उसकी स्पीड क्या है, सारी डिटेल्स आपके सामने होगी। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये ऐप है ना रियल टाइम में तूफान को ट्रैक करती है। तो आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, मजेदार ऐप है। इसके बाद एक और चीज है, अगर आप चाहो तो इसे भी ट्रैक कर सकते हो, और वो है मरीन ट्रैफिक। देखिए पूरी दुनिया में एक हिस्सा जमीन है, तीन हिस्सा पानी है, कहने का मतलब कि पूरी दुनिया में पानी ही पानी है भाई। तो इस पानी पर होता है मरीन ट्रैफिक, यानी कि मैं यहां पर बात कर रहा हूं कार्गो जहाज की। पूरी दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह पर कई सारे कार्गो जहाज ट्रैवल करते रहते हैं। सोचिए कि अगर आपने किसी दूसरी कंट्री से कोई सामान मंगवाया और वो सामान कार्गो जहाज की मदद से आपके तरफ आ रहा है, अब आपके पास अगर वो कार्गो जहाज का नंबर है ना तो आप रियल टाइम में उस जहाज को ट्रैक कर सकते हैं। और ये ऐप उसी तरह से काम करती है जैसे फ्लाइट रडार ऐप काम करती है ना, बस ठीक उसी तरह से ही काम करती है। और काफी सारे आपको इसमें फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि वेदर के बारे में जान सकते हैं, कार्गो शिप के बारे में जान सकते हैं, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहां पर मिल जाती है। तो देख लो, ये भी काफी मजेदार ऐप है, ट्राई करना चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एयरफ्लो की। अगर आप चाहो तो पूरी दुनिया में बह रही हवा को भी ट्रैक कर सकते हैं, ये जान सकते हैं कि कहां से कहां हवा बह रही है और उसकी स्पीड क्या है। तो सोचिए कि अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं या फिर आपका कोई ऐसा काम है कि जहां पर हवा अगर तेज होती है तो आपको नुकसान हो सकता है, तो आप इस ऐप की मदद से देख सकते हैं कि हवा की स्पीड फिलहाल क्या है और कब हवा की स्पीड बढ़ने वाली है। एक तरह से कहें तो ये तूफान को ट्रैक करने जैसा हो जा रहा है, क्योंकि जब भी तूफान आने वाला होता है तो धीरे धीरे हवा जो है ना वो स्पीड पकड़ने लगती है। तो यहां से आप तूफान का अंदाजा लगा सकते हैं कि तूफान आने वाला है और हवा बढ़ने वाली है या फिर कम होने वाली है, सारी चीजें आपके बिल्कुल सामने होगी। काफी कमाल का यूनिक लाइक देख सकते हैं कितना मस्त वाला 3D मैप है। तो इस मैप की मदद से आप सारी जानकारी निकाल सकते हैं। एक और चीज है जो आपको निकालनी होगी और वो है थोड़ा सा टाइम। बस आपको इस वीडियो को शेयर करना होगा अपने WhatsApp के सभी ग्रुप में ताकि सभी लोगों को इन सभी एप्स के बारे में पता चल जाए और हो सकता है कि इनमें से कोई ऐप उनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो। और अगर आगे भी आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, नए ऐप्स के बारे में, नए ट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो सिंपल है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको डेली नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेक केयर, बाय।